हाँ जी बच्चों, जिवें कि तुहानूं पता ही है, इस तो पहला आपां दो गुरु कर चुके हैं, गुरु नानक देव जी अते गुरु अंगद देव जी। अज आपां तीजे गुरु अमरदास जी बारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू करन लगे हैं। हाँ जी, आ जाओ। सिखां दे तीजे गुरु कौन सन? ऑप्शन गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु तेग बहादुर जी। हाँ जी, तीजे गुरु है एडे ऑप्शन गुरु अमरदास जी, जिन्हों का जन्म 5 मई 1479 पिंड बासरके जिला अमृतसर दे विच होया है। अगला क्वेश्चन है जी, गुरु अमरदास जी दे पिता का की नाम सी? हाँ जी देखो, ऑप्शन आड़ा ऑप्शन है जी, गुरु अमरदास जी दे पिता का नाम तेजपान सी। ठीक है, अगे राजे दिता हुआ है फेरूमल, फेरूमल कौन सी? फेरूमल दूजे गुरु अंगद देव जी दे पिता जी का नाम सी। अगे है राजे अगला क्वेश्चन, गुरु अमरदास जी दी माता जी का की नाम सी? गुरु अमरदास जी दी माता का नाम, देखो ऑप्शन आड़ा ऑप्शन है जी, माता सुलखनी जी। हाँ जी, कई थावां ते राजे माता लक्ष्मी जी भी लिखा होया है। ठीक है, बीबी भानी राजे कौन है? बीबी भानी अमरदास जी दी बेटी का नाम है। बीबी खीवी जी है जेड़े ओह गुरु अंगद देव जी दी पत्नी है। अगे क्वेश्चन हैगा राजे चौथा क्वेश्चन, गुरु अमरदास जी दा गुरु काल की सी? हाँ जी, गुरु अमरदास जी दा गुरु काल है राजे 1552 से 1576 ईस्वी। ऊड़ा ऑप्शन है जी, 1552 से 1574। गुरु अंगद देव जी दा राजे 1549 से 1552 तक सी दूजे गुरु अंगद देव जी, ते जेड़े तीजे गुरु है अमरदास जी इन्हों का गुरु काल है राजे 1552 से 1574। इन्हों का जन्म फिर तो दस दी है 1479 दे विच होया सी। अगला क्वेश्चन है राजे, गुरु अमरदास जी दे बच्चों के की नाम सन? हाँ जी देखो, ऑप्शन आड़ा, ऊड़ा देखो, मोहन ते मोहरी, ईड़ी है राजे बीबी भानी ते बीबी दानी। सस्सा ऑप्शन है ऊड़ा ते ईड़ी दोनों। हाँ जी, सस्सा ऑप्शन है जी, इन्हां दे पुत्रां दे नां तां मोहन ते मोहरी, ते पुत्रियां दे नां हैगे जी बीबी भानी ते बीबी दानी। अगला क्वेश्चन है जी, गुरु अमरदास जी दी गुरु बनन समय उम्र किन्नी सी? हाँ जी, इन्हां दी उम्र 73 साल सी। आड़ा ऑप्शन है जी 73 साल। गोइंदवाल विच बौली दा निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, गोइंदवाल विच बौली दा निर्माण है गुरु अमरदास जी ने करवाया, ते बौली दियां राजे 84 पौड़ियां। इहदी इह महानता है भी जो सिख कोई भी है चाहे 84 पौड़ियां ते 84 वार के शीश नान करके जप जी साहिब का पाठ करेगा, वह 84 जूनां तो मुक्त हो जाएगा, इस पाप सागर तो तर जाएगा। बौली तो की भाव है? हाँ जी, ऑप्शन देखो बच्चे, बौली तो की भाव है? सस्सा ऑप्शन है तालाब जिस दे तल तक एक पासे पौड़ियां बनिया होन, ओ बौली है। अगला क्वेश्चन है राजे, गुरु अमरदास जी का समकाली मुगल शासक केड़ा सी? हाँ जी, मुगल शासक अकबर, आड़ा ऑप्शन है जी, अकबर जी ने लंगर दे विच सब जेड़ा मुगल शासक है ने लंगर प्रथा दे विच सब तो पहला लंगर इस मुगल अकबर ने छकिया सी, ते इन्हां ने 500 बिघा जमीन है जेड़ी ओह बीबी भानी नू दे दित्ती सी। अगला क्वेश्चन है जी, मंजी प्रथा की स्थापना केड़े गुरु साहिब ने की? हाँ जी, मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की है। इन्होंने 22 मंजियां नियुक्त कीतियां सी राजे, ध्यान रखियो इस गल का भी, मंजियां किन्नियां सी? 22।
मंजी प्रथा की स्थापना पिछे मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी देखो ऑप्शन राजे, उदासी मत का विरोध करना, लंगर लई धन अनाज इकट्ठा करना, ज सिखां दे नवे धार्मिक रीति रिवाजां दा प्रचार करना। सस्सा ऑप्शन है जी, सिख धर्म का प्रचार करना। हाँ जी सही आंसर है जी सस्सा, सिख धर्म का प्रचार करना, क्योंकि गुरु अमरदास जी की उम्र ज़्यादा होने कारण उन्हां तो थां थां हर एक जगह पर जाके जिहड़ा उन्हां लई प्रचार करना औखा सी, इसलिए उन्होंने मंजी प्रथा की स्थापना की सी। 22 मंजियां बनाईया, हर एक मंजी का जिहड़ा मुखी बनाया गया जिन्हों मंजीदार कहा जाता सी। अगला क्वेश्चन है जी, मंजी प्रथा की हेठली उपशाखावां नूं की कहा जाता सी? हाँ जी इहदी आड़ा ऑप्शन है जी पीढ़ियां कहा जाता सी। अगला क्वेश्चन है, मंजी प्रथा विच मंजियां दे मुखी नूं की कहिंदे सी? ओड़ा ऑप्शन, मंजी प्रथा दे मुखी नूं मंजीदार कहा जाता सी। मंजी शब्द का शाब्दिक अर्थ की है? हाँ जी देखो ओड़ा ऑप्शन, पौड़ी, पीढ़ी, चारपाई। अगली ऑप्शन है जी देख। हाँ जी सही आंसर है जी चारपाई। मंजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है चारपाई। गुरु अमरदास जी का जन्म कित्थे होया? हाँ जी स्टार्टिंग दे विच ही दस्या सी ना, गुरु अमरदास जी का जन्म है जो पिंड बासर के जिला अमृतसर दे विच होया। हाँ जी 16वां क्वेश्चन, मंजी प्रथा दे संगठन संबंधी केड़ा तत्थ ढुकवा है? हाँ जी देखो, मंजीदार दा प्रचार खेत्र कोई सीमित नहीं सी, सिख धर्म लई धन इकट्ठा करना, जां जिहड़ा मंजीदार दा अहुदा जद्दी हुंदा सी। सस्सा ऑप्शन है जी, मंजीदार धार्मिक उपदेश दिंदे सन। हाँ जी इहदा सही आंसर है जी आड़ा ऑप्शन, मंजीदार दा जिहड़ा अहुदा उह जद्दी हुंदा सी, ए तत्थ है जिहड़ा ए ढुकवां। अगला क्वेश्चन है जी, पहला पंगत फिर संगत दा संकल्प केड़े गुरु साहिब ने दिता? हाँ जी एडे ऑप्शन, गुरु अमरदास जी। अगला क्वेश्चन, सिख पंथ विच सब तो पहला अंतर जाति विआह दा विचार किसने दिता? सिख पंथ विच सब तो पहला अंतर जाति विआह गुरु अमरदास जी ने ही इहदा जिहड़ा विआह दा विचार दिता है। अमृतसर की स्थापना तो पहला सिखां दीआं धार्मिक गतिविधियां दा मुख केड़ा नगर सी, मुख केंद्र जां नगर केड़ा सी? हाँ जी आड़ा ऑप्शन है गोइंदवाल। अमृतसर तो पहला गोइंदवाल दे विच धार्मिक गतिविधियां जिहड़ियां उह कीतियां जांदियां सी। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ते गुरु अमरदास जी की मुलाकात केड़े स्थान ते हुई? आड़ा ऑप्शन है जी गोइंदवाल। गुरु अमरदास जी दे कहन ते मुगल शासक अकबर ने हिंदुआं तो केड़ा कर हटाया सी? हाँ जी देखो, जजिया कर, खिराज, यात्रा कर, जां सारे? ईडी ऑप्शन है जी यात्रा कर। अगे 22वां क्वेश्चन, सतियां ए ना आखियन जो सड़िया लग जलन, नानक सतियां जानी अन्न जो बिरहे चोट मनन, ये शब्द केड़े गुरु दे हन? हाँ जी ईडी ऑप्शन, गुरु अमरदास जी। अगे 23 नंबर क्वेश्चन, माटी एक सकल संसारा बहुविध भांडे कड़े कुम्हारा, ये शब्द भी हाँ जी गुरु अमरदास जी दे ही हन। सस्सा ऑप्शन, गुरु अमरदास जी। सिख धर्म विच सब तो पहला किस गुरु ने पर्दा प्रथा का विरोध किया? हाँ जी सिख धर्म दे विच सब तो पहला गुरु अमरदास जी ने पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया। सिख पंथ के विकास विच गुरु अमरदास जी की सब तो वड्डी देन की सी? ईडी ऑप्शन है जी, धार्मिक रस्मां रिवाजां ते त्योहारां नूं नवे ढंग नाल मनाउणा। अगला क्वेश्चन है जी, आनंद साहिब नामक रचना दे रचनहार कौन सी? हाँ जी आनंद साहिब बाणी है
केड़े गुरु की रचना है? एडी ऑप्शन गुरु अमरदास जी की रचना है। तो राजे एक गल होर नोट कर लो, एदियां 38 पौड़ियां है ते उन्होंने आनंद साहिब की रचना है ना जिहड़ी, ओह अपने उन्होंने गुरु अमरदास जी का पोता सी आनंद, ते उहदे नाम ते उन्होंने आनंद साहिब बाणी की जिहड़ी रचना की सी। ते गुरु अमरदास जी के नाल ही इन्हां दे समय दे विच जी गुरु रामदास जी जिहड़े चौथे गुरु है ना, उन्होंने लावां की रचना की सी। ठीक है, कई बच्चे लावां अमरदास जी की रचना कह देंदे है, ये नहीं है बच्चे, आनंद साहिब रचना है वह गुरु अमरदास जी की है, तो जो लावां वह गुरु रामदास जी चौथे गुरु की रचना है। अगे है जी, गोइंदवाल विखे गुरु अमरदास जी नूं केड़ा मुगल शासक मिलन आया सी? हाँ जी, गुरु अमरदास जी नूं आड़ा ऑप्शन अकबर है जिहड़ा वह मिलन आया सी, अकबर। सिख धर्म विच सब तो पहला सती प्रथा का विरोध किसने किया? पहला नहीं आया सी रजे, पहला पर्दा प्रथा सी शायद। हाँ जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा पर्दा प्रथा का विरोध किया सी। अगला क्वेश्चन है जी, गुरु अमरदास जी तो गुरगद्दी नूं जद्दी करन दा वर किसने मंगया सी? हाँ जी, देखो बीबी नानकी, बीबी भानी, बीबी अमरो मोहरी। आड़ा ऑप्शन है राजे बीबी भानी, बीबी भानी ने गुरु अमरदास जी तो गुरगद्दी नूं जद्दी करन दा जिहड़ा वर मंगया सी। सिख धर्म विच किस गुरु तो बाद गुरगद्दी दे जद्दी होण दी परंपरा शुरू होई? हाँ जी, एड़ी ऑप्शन गुरु अमरदास जी। अगे है राजे, सिख इतिहास विच केड़े नगर नूं सिखां दा पहला तीर्थ स्थान बनन दा मान प्राप्त है? सब तो पहला सिखां दा जिहड़ा तीर्थ स्नान है राजे, वह है गोइंदवाल। हाँ जी, गोइंदवाल। ते गोइंदवाल की स्थापना राजे गुरु अंगद देव जी ने की सी। अगला क्वेश्चन है जी, तीजे गुरु अमरदास जी के किन्ने शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन? हाँ जी, गुरु अमरदास जी के किन्ने शब्द है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है? 907। हाँ जी, 907 शब्द है जिहड़े वह गुरु अमरदास जी दे है, जिहड़े 62 शब्द है जी वह अंगद देव जी दे है, 679 शब्द है वह चौथे गुरु रामदास जी दे है जी, ते 2216 शब्द है जो वह गुरु अर्जन देव जी दे है। सब तो वध शब्द है जिहड़े वह पंजवें गुरु अर्जन देव जी दे है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी किस नूं नियुक्त किया सी? गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी भाई जेठा जी नूं नियुक्त किया सी। हाँ जी, चौथे गुरु रामदास जी है जो उन्हां दा पहला नाम भाई जेठा जी सी, ते जो भाई लहणा जी है राजे वह दूजे गुरु अंगद देव जी का नाम भाई लहणा जी सी, ते छेवें गुरु है जी हरगोबिंद जी, अगे सत्तवें गुरु है गुरु हर राय जी। अगला क्वेश्चन है जी, गुरु अमरदास जी गुरगद्दी ते किन्ना समा विराजमान रहे? हाँ जी, आड़ा ऑप्शन लगभग 22 साल। कड़ा प्रसाद की प्रथा किसने शुरू की? तीजे गुरु अमरदास जी ने। अगे है जी, सिरोपाओ की रस्म केड़े गुरु साहिब ने शुरू की? हाँ जी, सिरोपाओ की रस्म है जिहड़ी वह गुरु अमरदास जी ने शुरू की सी। हाँ जी राजे, अज आप तीजे गुरु के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तुहाडे लिए बहुत ही हैल्पफुल रहेंगे सारे पेपरां लिए, जो भी तुसी पंजाब दे पेपर देंगे। ठीक है, जे तुहानू वधिया लग्या होवे राजे, लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब जरूर करो, फिर आप अगे इस तरह होर वीडियो पाते रहेंगे।
ठीक है, ओके जी, थैंक यू।